हेलो नमस्ते, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं आपका होस्ट संदीप भाई, आज मैं आ गया हूँ आपको लेके जमा मस्जिद। रमज़ान का टाइम है, मैं सोचा जमा मस्जिद भी आप लोगों को दिखा दी जाए, तो चलो मैं दिखाता हूँ आपको जमा मस्जिद कैसे नज़ारे हैं यहाँ भाई। कुछ इस तरीके की भीड़ भाड़ है यहाँ, और जो सामने देख रहे हैं वो जमा मस्जिद है। आइए सुरमा इधर मिल जाइए, ये भाई ईद की तैयारी वगैरह यहाँ मिल रही है। भीड़ से भरा पड़ा है कहीं मिले क्या भाई, 20 रुपए की तो जरा में बढ़िया इधर की थी 20 की तो। आप लोग करो आप तो भाई कुछ ऐसा नज़ारा है जमा मस्जिद का रमज़ान के टाइम पे। भाई नीचे मीना बाज़ार लगता है और बहुत लोग शॉपिंग कर रहे हैं वहाँ। देख दिखाता हूँ मैं आपको एक ऊपर से व्यू यहाँ से। भाई नीचे जो जितनी भी प्लास्टिक लगी हुई देख रहे हो ना, वो नीचे दुकानें लगी हुई हैं, कहीं सेवाएँ बिक रही हैं, कहीं कपड़े। तो आप भी, आपको भी अगर शॉपिंग करनी है तो आ जाओ और शॉपिंग करो यहाँ से। जब तक मैं आपको टूर कराता हूँ जमा मस्जिद का। वो बाहर से जमा मस्जिद कुछ ऐसी दिखती है। भाई बाहर से मैंने आपको दिखाया जामा मस्जिद कैसी दिखती है, अब आगे जामा मस्जिद के अंदर और अंदर से मैं दिखाता हूँ आपको जामा मस्जिद कैसी दिखती है। भाई कुछ इस तरीके से है ये बाहर का दरवाज़ा। तो भाई ऐसा व्यू है जामा मस्जिद का जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, बहुत खूबसूरत लग रही है। बस गर्मी थोड़ी ज़्यादा है। भाई ये बीच में एक फाउंटेन है, वीडियो बना लेना।
तो भाई मेरे पीछे जो आप हिस्सा देख रहे हैं ना, ये मेन मीनार है जुमा मस्जिद की। और हम चलते हैं अंदर की तरफ, मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से जुमा मस्जिद कैसी दिखती है। भाई पहले तो ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हो ना, ये लोहे का स्ट्रक्चर जो है, ये काफ़ी पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है, तो इसका रिपेयरिंग का काम चल रहा है। तो देख रहे हो एक एरिया इन्होंने डिसाइड कर दिया, इसके अंदर कोई नहीं जा सकता, और ये अंदर काम चल रहा है, इसको रिपेयर किया जा रहा है ताकि इसकी उम्र कुछ और साल बढ़ा सके। सभी ऐतिहासिक धरोहर को ऐसे ही संभाला जाता है भाई, टाइम टाइम पे रिपेयरिंग चलती रहती है इनकी। आप कितने हो रहे हैं भाई? यहाँ सब लोग बैठे हैं, बड़ा खूबसूरत फर्श है यहाँ पर, गर्मी है इसलिए आराम कर रहे हैं सब लोग यहाँ ऊपर। भाई वो जो मीनार देख रहे हो ना आप, ऊपर जाने के लिए भाई टिकट लगता है, गर्मी ज़्यादा है तो ऊपर नहीं जा रहे हैं, आपको नीचे से ही दिखाऊंगा मैं। ये हमारा दोस्त मिथू, ये भाई साथ में है, तो हम दोनों जुमा मस्जिद को विजिट कर रहे हैं आज। सामने का एरिया भाई नमाजियों के लिए है, उनको डिस्टर्ब करने नहीं जाएंगे, तो आपको मैं बाहर से ही दिखाऊंगा। ऊपर की छत कुछ इस तरीके की है, पहले तो लाइट नहीं होती थी, अब लाइट जो लगी है वो भाई अब रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगी है, पहले कुछ और सोर्स होते थे लाइटिंग के। फॉरनर्स भी आए हुए हैं उस हिस्से में, अंदर सब नमाज के लिए बैठे हैं भाई, रोजे चल रहे हैं। भाई नमाज का टाइम हो रहा है, सबको बाहर भेज रहे हैं, नमाज के बाद फिर अंदर आ सकते हैं। चलिए भाई चलो भाई चलो। कोई फॉरनर्स भी आए हुए हैं, सब बाहर हो गए क्योंकि नमाज का टाइम हो रहा है, नमाज के बाद ही लोग अंदर आ पाएंगे फिर से, क्योंकि लोग शोर करते हैं, उनके साथ बच्चे भी हैं, तो इसीलिए सबको बाहर कर दिया गया है इस टाइम। तो भाई कुछ ऐसा भी हुआ है जुमा मस्जिद का जब मैंने आपको विज़िट कराया। ब्लॉग में आप कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को करें सब्सक्राइब और दूसरों से भी कराएं। तो भाई ये मेन गेट की मीनार है जिससे हम अंदर आए थे, ये वो है।
भाई इतनी गर्मी हो रही है और मैंने अपर डाला हुआ है, सब लोग सोच रहे होंगे पागल है, पर मैं जब आया था रात को यहाँ बारिश हुई थी भाई, कल शाम से बारिश हो रही थी, सर्दी थी तो भाई जब से ही पहन रखा है। तो भाई ये रहा जमा मस्जिद, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसे लगी आपको ये वीडियो। और भाई इसके बाज़ार का मैं दिखाता हूँ आपको, मीना बाज़ार लगता है ये सारा बाज़ार, कुछ ऐसा है। तो भाई आज के इस व्लॉग में इतना ही, नेक्स्ट व्लॉग में फिर जल्द मुलाकात होगी आपसे। कमेंट करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू।